नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा तगड़ा हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो लोगों को सख्त सावधान रहने की सख्त आवश्यकता रहेगी। तो क्या यह तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश से पैदा हुई दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। वहीं प्रदेश में 5 दिन के लिए फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 13 से 17 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 19 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। वहीं आज सुबह राजधानी शिमला व अन्य भागों में बारिश हुई, इसके बाद धूप खिलने के बाद हल्के बादल छाए रहे। आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। पिछले कल रात को धौलाकुआं में 106, नाहन 58, घमरूर कांगड़ा 43.6, सोलन 38, कंडा घाट सोलन में 37.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त आज लाहौल के जोबरंग गांव के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है, इससे सड़क यातायात के लिए बंद हो गई। वहीं मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। विभाग के अनुसार मौसम के संबंध में जारी की गई किसी भी यातायात सलाह का पालन करें, उन इलाकों में जाने से बचें जहां अक्सर जल भराव की समस्या रहती है। नदी नालों से दूर रहें, अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले सड़क पर ट्रैफिक जाम का पता करें। असुरक्षित स्थानों में न रहें, बारिश हिमस्खलन व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊपरी पहाड़ी भागों में जाने से परहेज करें। खराब मौसम में ट्रैकिंग करना व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाना खतरनाक हो सकता है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।